मौजूदा दौर साइंसी दौर है जिसमें ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में साइंस अपनी तमाम तर तरक्यात और इनकशाफात के साथ जलवागर है। देखा जाए तो हर साइंसी ईजाद के पीछे किसी साइंसदा का दिमाग कारफरमा होता है, जो अपने गर्दोपेश में फैले हुए बेशुमार पेचीदगियों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश के दौरान वो ऐसी अजीब व गरीब और दिलचस्प मुफीद मालूमात भी फराहम करता है जो बाद में आम लोगों को साइंस के नुकात और हकायक समझने में मदद देती हैं। हमारे मुल्क ने भी साइंस के मैदान में ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में हमारे लिए तरक्की और फलाह बहबूद की राहें हमवार की। इस एपिसोड में आपकी मुलाकात विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की खातून साइंसदान डॉक्टर मोगांती राजेश्वरी से होगी। डॉक्टर मोगांती ने अपनी नजरी व अमली महारत मुल्क फ्रांस में हासिल की, और जो इन दिनों इंसानों में तौलीदी अमराज यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स और जल्दी कैंसर पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के शोबाए हयाती कीमिया यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज होते हुए अपनी तहकीक में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर मोगांती और उनके साथ काम करने वाले मुहक्किकीन कई तरह के तौलीदी अमराज यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। We are doing, we just compounds for this injection. So like this is the protein you got differentially. This protein is expressed in here. This is from the gel of primary maize and this is from the secondary maize. एक ऐसी disease है, बीमारी है कि ब्रेन के में होता है, तो उसकी वजह से किसी बच्चों में ऐसा हो जाता है कि पाम हाथ कांपता है, ठीक से दिखाई नहीं देता, मतलब चलने में भी दिक्कत होती है, कभी कभी बोलने में भी आपको पता चल जाती है कि उसमें कुछ शब्द जो हैं ठीक से मुंह से निकल नहीं रहा है। तो काफ़ी ऐसी हैं कि क्लिनिशियन जो है, डॉक्टर साहब जो हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, ऐसी ऐसी कोई सेट ऑफ है तो उसको ये बीमारी हो सकता है। शुरू शुरू में अक्सर जब बच्चे चलने में लड़खड़ाते हैं और वो लड़खड़ाहट अगर बढ़ती उम्र के साथ कम नहीं होती है, तो आयन मुमकिन है कि ये किसी तौलीदी मरज या जेनेटिक डिसऑर्डर्स की निशानदेही कर रहा हो। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको समझने के लिए डॉक्टर मोगांती राजेश्वरी एक अरसे से काम कर रही हैं। चलने में कुछ आँख में भी कभी टेढ़ी टेढ़ी सी लगता है, आपको देखने से भी पता चलता है, चलने में मेनली चलने वलने में होता, शुरुआत 10-12 साल में देखा गया है कि हमारे पास 10 साल का भी बच्चा आया हुआ था पेशेंट, उसके बाद बढ़ता रहता है, डिपेंड्स कि भाई कब आए वो क्लिनिक पे। इनिशियली सोचते हैं माँ बाप कि चलो ये एक बहुत ही कॉमन है कि माँ बाप सोचते हैं ये ठीक से खा नहीं रहा, इसको शक्ति नहीं है, इसको दम नहीं है, तो खाना अच्छा खिला दो ठीक हो जाएगा। हो सकता है छोटे गांव में है, उनको पता नहीं है, तो वो ऐसा 2 साल ऐसे ही बिता देते हैं जब तक आ जाए थोड़ी बाड़ी आगे बढ़ जाती है बीमारी, जब तक कई बार लोग को पता चलता है कि एम्स है कि यहाँ पे ऐसी कुछ ट्रीट करते हैं, देखा जाता है, तो आते हैं, तो वो देखा गया है 12-13 साल का भी, कभी कभी बढ़ के 20 साल तक
मैक्सिमम 25 साल तक वो ज़िंदा होते हैं, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये बेसिकली ये बीमारी है कि जीन्स में होता है, जीन माने अपना डीएनए में होता है, वो फैमिली से आती है। ये बीमारी ख़ानदान से कैसे आती है? डीएनए में होता है, डीएनए में ऐसा होता है कि कुछ क्या बोलते हैं, ज़्यादा रिपीट्स हो जाते हैं। रिपीट माने आपने हमने अब देखा होगा डीएनए की जो बेसिक जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसकी जो है रिपीट होती है या बार बार ज़्यादा बार आ जाती है, तो वो क्या होता है, वो डीएनए नॉर्मल नहीं रहा। डीएनए में वो क्या चीज़ होती है जो बार बार आ जाती है और जो बीमारी की वजह बन जाती है? अभी जो हमारे पास हमारे अंदर जीन्स हैं या डीएनए हैं हर में हैं, तो वो एक सब जानते हैं कि डुप्लेक्स बोलते हैं। डुप्लेक्स माने दो धागे को आपने वाइंड किया हो, इस तरह की डुप्लेक्स होती है। तो वो नॉर्मल डीएनए है, पर देखा गया है कुछ डिसीजेस में, एक डिसीज़ ऐसा है, कुछ नहीं, एक ही डिसीज़ तो अभी तक जो पता चला, हो सकता और है, तो हमें अभी देखना भी, एक ही हमारा प्रोजेक्ट भी है कि हम देखना चाहते हैं और कहाँ है। तो इसमें ऐसा है कि डीएनए 2 की जगह में 3 स्ट्रैंड्स जो हैं, 3 माने आप ऐसा समझ लीजिए चोटी जैसा बन जाती है, पर चोटी तो खैर एक के ऊपर बन के बनती है, तो इसको ट्रिप्लेक्स हम बोलते हैं या ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए बोलते हैं, क्योंकि 3 स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, बल्कि नॉर्मली 2 होते हैं। तो यही है, इसी की ये प्रेजेंट, ये जो बनता है तब होता है, जो नॉर्मली जो प्रोटीन बनना चाहिए वो नहीं बनती है इस पर्टिकुलर डिसीज़ में, जिसको बोलते हैं फ्रेडरिक्स अटैक्स, या क्योंकि फ्रेडरिक्स ने आइडेंटिफाई, एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, जिसने इसको आइडेंटिफाई किया, जर्मन साइंटिस्ट है, इसको इसीलिए फ्रेडरिक्स अटैक्स है। और ये प्रोटीन जो बनाती है फ्रेटैक्सिन नॉर्मल में, जो कि पेशेंट में फ्रेडरिक्स अटैक्स में नहीं बनती है, क्योंकि कारण ट्रिप्लेक्स की वजह से। तो इसीलिए हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई जस्ट डीएनए की स्ट्रक्चर बदल गया और आपको इतनी बीमारी की कारण हो गई है। अगर डीएनए के तिहरे हो जाने की वजह से जो बीमारी पैदा करने वाली प्रोटीन बनती है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस तिहरे लड़ियों वाले डीएनए को खोल दिया जाए और दोहरे लड़ी की डीएनए हासिल कर ली जाए, जैसे कि आमतौर पर डीएनए होती है, ताकि बीमारी पैदा करने वाली प्रोटीन का बनना ही बंद हो जाए और बीमारी की शुरुआत ही ना हो। खुलने की तो कोशिश है, अगर खुल गया तो आपकी मतलब दिस इज़ ए मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि आप कर दिया तो दुनिया में बहुत पहली बार होगा कि ऐसा कुछ हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर खोला नहीं जा सकता, तो फिर क्या ऐसा किया जा सकता है कि उसे बनने ही ना दिया जाए? बट लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि खोलने के लिए भी तो आपको ऐसी कोई चाहिए, सब कंपाउंड चाहिए या कोई ऐसी कोई तरीका चाहिए कि ये ना बने। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले तो आप सेल के अंदर तो नहीं या पेशेंट में तो नहीं ट्राई कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं इनविट्रो। इनविट्रो माने आप अपना बाहर जो है सेल कर ले, तो वो हम देख रहे हैं कोई ड्रग्स है या कोई मॉलिक्यूल है इसको खुल पाए, खोल दे। तो हम ऐसे कुछ एक मॉलिक्यूल देखा है को इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अभी क्या किसी सालिमा यानी मॉलिक्यूल में उसे गैर मुस्तहकम या तगैर पजीर बनाने की कोशिश की गई है? हाँ, तो एक ऐसी मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं 2-3 की ट्राई किया है, जो कि थोड़ी सी डिस्टेबलाइजेशन की, डिस्टेबलाइज माने ये ट्रिपल वाली ना बन पाए, तो उसकी लाइन में हम जा रहे हैं। तो हमें इसी कोशिश में है कि कुछ और मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आसाबी खलल यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूं तो डीएनए की तिहरी लड़ी वाली शक्ल को पहचानना मुश्किल होता है, तो आप कैसे पहचान लेती हैं? न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं दिमाग से बीमारी में, इसमें कोई ऐसी मार्कर है नहीं, तो यही तो ताजुब है कि भाई इसको आइडेंटिफाई कैसा करें। तो अभी हमने यही कर रहे हैं कि कुछ में हम जो इंटरेस्टेड है ट्रिपलेट रिपीट डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, तो ओनली हम वही कर रहे हैं, ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन बोलते हैं, क्योंकि वो रिपीट ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो उसमें हमें मार्कर नहीं है।
तो पेशेंट की डीएनए में जो है यही चेंज हो जाती है या यही हो जाता है कि वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा, जो प्रोटीन बनना चाहिए वो नहीं बनता है। क्या नाम है उस प्रोटीन का? इस प्रोटीन का नाम है फ्रेटेक्सिन। तो क्या गलत प्रोटीन बनने लगती है? तो ये गलत प्रोटीन नहीं बनती है, प्रोटीन ही नहीं बनती है, जो ज़रूरी वाली प्रोटीन है वो नहीं बनती है। ये नहीं कि वो गलत बनता, बहुत ही रेयरली म्यूटे वो गलत वाली बहुत जो आप कह रहे वो जो कहते हैं म्यूटेशन जो है बहुत ही कम, एक केस देखा गया हमने विच हम कंसिडर नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोटीन नहीं बनता, ना बनने से बीमारी हो जाती है, तो वो ज़रूरी वाली नहीं होता। तो अभी उसके अलावा जो प्रोटीन नहीं ना बनने से आयरन जो है, आयरन जो बोलते हैं जो खून बनती है वो वाला आयरन ज़्यादा ज़्यादा पड़ी रहती है, तो वो तो आपको टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिक माने ये काइंड ऑफ विश हो जाती है, तो वो इतनी फालतू है तो उसको हटाना ज़रूरी है। और अगर ना हट पाए तो क्या होगा? बॉडी में एक्सेस होते हुए भी ब्रेन काम नहीं करता है, ब्रेन आपका दिमाग से ही सिग्नल जाते हैं, हाथ की है, पैर चलने की, सोचने का, सब कुछ का। मतलब क्या तकलीफ क्या है आपकी? तकलीफ ये बैलेंस की है, तकलीफ खड़े होने से छोटी। डॉक्टर मोगांती राजेश्वरी इस खास बीमारी की माहिर डॉक्टर हैं और छोटी बहन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोबे इल्मुल असाब यानी डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के अटैक्सिया क्लिनिक में मरीज उनसे रुजू करने को मुल्क के कोने कोने से आते हैं। ओके, एक मिनट, उनको चलने में प्रॉब्लम थी? हाँ, तो मैं थोड़ा सा बैलेंस ना बैलेंस। अच्छा, आप उधर ही खड़े रहिए, पैर के आगे पैर रख के चलिए इस तरह से, बिल्कुल आगे रखिए इस तरह से जी, सीधा सीधा। मैं आपको गिर रहा नहीं, ठीक है ठीक है। दोनों एडी और पंजे मिला लीजिए, एक साइड सामने देखिए, आंखें बंद कीजिए, एक बार खोल लीजिए। किस तरफ गिरने का ज्यादा डर लगता है, पीछे आगे साइड में? हिल रहा है? नहीं, हिल रहे हैं आप, गिरने का डर लग रहा होगा ना आपको, गिर जाऊंगा। किधर गिरने का डर लग रहा है, साइड में आगे? डॉक्टर मोगांती राजेश्वरी के साथ मुहक्किक डॉक्टरों की एक जमात काम करती है। हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसका बीमारी का नाम है SCA, स्पाइनो सेरेब्रल अटैक्सिया। अटैक्सिया का मतलब ही यही है कि एक ग्रुप है, बहुत सारे हैं उसमें, एक तरीका की ऐसा SCA है, उसमें अटैक्सिया में यही होता है कि बैलेंसिंग, चलने में, नस में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, और कहाँ कहाँ क्या होता है वो डॉक्टर सब आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इसके बेसिस में ये बीमारी है। जो सुबह पेशेंट आए उसका है SCA, स्पाइनो सेरेब्रल अटैक्सिया 12, उसमें कई तरीके हैं, 12 के हमारी केसेस देखा गया इंडिया में। स्पाइनो सेरेब्रल अटैक्सिया और फिर उसमें 12 नंबर का क्या मतलब है? 12 माने उसकी टाइपिंग किया गया है, अलग अलग तरीका है, SCA 1, 2, 3, और SCA 1 आती है यही रिपीट जो हमने अपने बोला DNA में जो चेंज हो गया है या एक तरीके की डिस्टर्बेंस जो आ गया, वो अलग अलग क्रोमोसोम में आ सकता है। जो बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम 1 में भी आ सकता, क्रोमोसोम 2 में भी आ सकता, तो इसी को ब्रेस उसके मुताबिक इसको नाम दिया गया कि SCA 2 है, 1 है, 3 है, 12 है। तो एक एक पॉपुलेशन में, जैसे इंडिया में हमने ये एटलीस्ट हमारी हॉस्पिटल में ये देखा गया 1, 2, 3, 12 तो ज़्यादा देखा गया है। तो आज सुबह जो आया था वो SCA 12 का पेशेंट था। उम्र के किस हिस्से में इस बीमारी का पता चलता है? वो लेट है, 50 साल 40 साल के बाद ही आता है, तो आदमी का यही होता, आपने जो देखा 55 ईयर्स का है। इस बीमारी के अलामत क्या होते हैं? पेशेंट को खुद को पता चलेगा कि कुछ हो रही है। बिल्कुल समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। तो क्या 50 साल से पहले कोई अलामत जाहिर नहीं होती है? तो नहीं होता है। और एक और आपको मैं कहना चाहती हूँ, जैसे FRDA है। FRDA क्या होता है? FRDA फ्रेडरिक्स अटैक्सिया, जो बीमारी जो बच्चों से शुरू होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो क्या इसको रोका जा सकता है? पांच भाई हैं, चार बहनें हैं। प्रिवेंशन में अभी कुछ नहीं है, देयर इज नॉट मच कैन डू, जेनेटिक है, फैमिली से आता है। खानदान से ये कैसे आता है?
फैमिली में यही है कि ऐसी है तो जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ठीक है, तो वो एक ऑटोसोम मतलब रिसेसिव जो है एक में आया है, ठीक है, दूसरा में जीन में नहीं हुआ है, तो दोनों में होमोजाइगस बोलते हैं, दोनों में आए तो हेटरोजाइगस माने एक एलील में आया है एक में नहीं है, तो मैनिफेस्ट नहीं होता, मैनिफेस्ट माने दिखाई नहीं देता है, उसके सिम्टम्स नज़र नहीं आता है, एसिम्प्टोटिक हो जाते हैं, वेयर एज एससीए में जो है डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट होने की वजह से ये बीमारी हो जाती है, लेकिन ऐसी तहकीकात में आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? मेरा हमेशा काम जो है ज़्यादातर ओरिजिन जो है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, स्ट्रक्चर माने आपको बायोफिजिक्स बोलते हैं, और एक तरीके से आजकल एक और भी ब्रांच बोलते हैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में आपकी दिलचस्पी कैसे हुई? देखिए स्ट्रक्चर के आपको एक तो है, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और मानती हूँ कि कोई भी डिसीज़ हो आपको कहीं ना कहीं से स्ट्रक्चर से ही डिपेंडेंट है। स्ट्रक्चर आप ठीक करो सब कुछ ठीक है। कैंसर में P53 प्रोटीन 53 म्यूटेशंस देखा गया है, म्यूटेशन माने प्रोटीन, P53 ऐसी प्रोटीन है तो हमारे में भी है, वो ट्यूमर को सप्रेस करती, सप्रेस माने ट्यूमर बनने नहीं देती है, जो ये कैंसर वालों में देखा गया है कि ये प्रोटीन में चेंजेस हैं, तो वो चेंज वो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पा रही है। बनावट या स्ट्रक्चर में तब्दीली की वजह से किसी और बीमारी की मिसाल दे सकती हैं आप? हीमोग्लोबिन देख लीजिए, बहुत अच्छी बढ़िया, सिकल सेल एनीमिया, ये एक बेस आपकी फ़र्क हो गया है, माने डीएनए हज़ारों बेसेस लाखों बेसेस होते, बेस माने आपके बैकबोन बोलते हैं, जैसा मोतियाँ और धागा जैसा है, तो वो आपको एक मोती का बदल दिया, आपके पूरा डिसीज़ आ गया, जो प्रोटीन जो बन रही है वो प्रोटीन टोटली अलग है, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। अब इस मरीज को देखिए, इसे बारीक काम करने में मुश्किल होती है, यहाँ मुहक्किकीन उसकी बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीधर कांत झा और मैं झारखंड से आया हूँ, और हमें राइट हैंड में ट्रेमर है, उसी के लिए आया हूँ। कितने साल से ट्रेमर? 9 साल से करीब। प्रॉब्लम मतलब महीन काम, छोटा मतलब बारीकी काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इलाज तो मतलब 6-7 महीने इसमें करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम एकदम जो बहुत बारीकी काम हो, जैसे लिखना हो उसमें प्रॉब्लम होता है, बस जैसे लिखना उखना है कुछ। सिग्नेचर नहीं कर सकते? सिग्नेचर नहीं कर सकते। शर्ट के बटन लगा लेते? हाँ शर्ट के बटन लगा लेते। भरे हुए कब से चाय पी सकते हैं? छलकेगी चाय? हाँ थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होती है। भरे हुए कब से चाय छलक जाती है आपसे? थोड़ा। चम्मच से खाना खा सकते हैं आप? जी। चम्मच से आराम से खाना खा लेते हैं? जी। आप प्याले में चाय डाल के, आपको प्याले में तो चाय नहीं डालनी पड़ती? नहीं। अच्छा आप चीज़ें पकड़ते हैं तो आपका हाथ कांपता है? हाँ थोड़ा बहुत कांपता है। अच्छा चलने में परेशानी? नो सर, मैं ऑक्टोपैड प्ले करता हूँ ऑलरेडी, आई एम म्यूजिशियन, और म्यूजिक ऑलरेडी पैड प्लेयर तो स्टिक से प्ले करते हैं, तब इसलिए अंदाज़ा नहीं मिलता था, मान लीजिए बटम उटम जो ऑलरेडी होता है उसको थोड़ा यदि पुश करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसा आपने हमने देखा था मॉर्निंग में हमारी लैब में जो हो रही, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री अगेन केमिस्ट्री बेस्ड है, तो केमिस्ट्री जितना एडवांसेस आए हैं तो वो हेल्प कर दिया है कि प्रोटियोमिक्स प्रोटीन एनालिसिस के लिए। डॉक्टर मोगांती राजेश्वरी का दूसरा काम अस्पतालों की ICU में दाखिल मरीजों के दरमियान जरासीम के फैलने की तहकीक से मुतालिक है। बैक्टीरिया तो आप जानते हैं कि अच्छे भी हैं खैर, बट ज़्यादातर हमारे लिए इंटरेस्टेड जो है कि जो कि इन्फेक्शंस कॉज करता है, बीमारियां कॉज करते हैं, ऐसी ग्रुप है बैक्टीरिया जो हॉस्पिटल्स में ICUs में जो पेशेंट भर्ती हो जाते हैं तो उनमें ज़्यादातर देखा गया कि ये इन्फेक्शन आती है, और ये एक कारण ये भी है कि उनको इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार है किसी कारण, तो इन्फेक्शन उसको ज़्यादातर पकड़ जाती है, और वंस एक बार पकड़ लिया ICU तो बंद है, तो बाकी लोगों को बाकी पेशेंट को भी आने की ज़्यादा संभावना रहता है।
और वो हॉस्पिटल वो जो हमारे बैक्टीरिया जो है वो हम लेके उसमें देखते हैं कि भाई इसमें कैसे इसको ट्रीट किया जाए। तो पहले तो कुछ ड्रग्स है, पेंसिलिन है जो सब जानते हैं बहुत, उसके भी नए नए ड्रग्स है। जब भी नया ड्रग बनाते दो कारण होती है, नया ड्रग क्यों बनाते हम, एक तो है कि आपको हाई पोटेंसी हो, पोटेंसी मैंने ज़्यादा असर हो, और दूसरा है कि साइड इफ़ेक्ट ना हो। यही चाहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट मिनिमम हो या ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो इस कारण नए नए ड्रग्स बनता है। तो बॉडी हम लोग इतना ह्यूमन मतलब तेज हैं कि बाहर नए नए ड्रग बनाते हैं, बैक्टीरिया भी उससे भी तेज है। तो वो ये सोचती है कि मैं इसको छोड़ के हाँ सर्वाइव कैसे करूँ, क्योंकि वो होस्ट हम होस्ट है, वो पैथोजन है, तो वो यह रहना चाहती है। तो वो अपने मेम्ब्रेन को बदलती रहती है, तो इतनी तेज है। तो वो मेम्ब्रेन जब बना देती है, हम जो ड्रग डाल रहे हैं उसकी कोई असर नहीं है, तो आपको नया ड्रग बनाना पड़ता। तो जब तक आपको पता ही नहीं है चाहिए कि ये बदल गई है, तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि ये बदल गया प्रोटीन, उसको हम रेसिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस इसीलिए वो नए पुरानी ड्रग को रिएक्शन या रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो इस रेसिस्टेंस स्ट्रेन को और नॉर्मल स्ट्रेन को हम कंपेयर करते हैं, भाई इस बैक्टीरिया में क्या चेंजेस आए। तो इस मवाजने या कंपैरिजन से क्या पता चलता है? इनर मेम्ब्रेन भी होती है, आउटर भी होती है, उसमें से हमने कोई कोई प्रोटीन्स निकाला है, तो उसमें कुछ चेंजेस हैं जो नॉर्मल में जो है वो कम लो हो गए, तो इसीलिए वो ड्रग उसमें असर नहीं हो पा रहा। उसके अलावा मेम्ब्रेन ने कुछ नई रेसिस्टेंट वाली में कुछ नए दो प्रोटीन्स आए हैं, उसको हम एनालिसिस अभी कर रहे हैं। और इस तजिए इस एनालिसिस का क्या फ़ायदा होगा? इसकी फ़ायदा यही है कि अब जो रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं, जो थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन ड्रग्स बोलते हैं, कि क्योंकि एक एक जनरेशन को अब आप बनाए हैं बैक्टीरियल का इन्फेक्शंस का, तो हो सकता है 5 साल के बाद वो उसके भी नए वाले को भी रेसिस्टेंट हो जाती है, ये तो होना ही है, तो बैक्टीरिया फिर बनता रहता है। तो इसीलिए हम अभी एक रेसिस्टेंट स्ट्रेन की जो ड्रग्स बनाएंगे तो वो उसको ट्रीट किया जाए। डॉक्टर मोगांती राजेश्वरी का जिल्दी कैंसर पर तहकीकी काम काबिले सताइश काबिले सताइश यूं भी है कि आम तौर पर इस तरह के कैंसर के लिए एमआरआई नहीं की जाती है, जबकि डॉक्टर मोगांती एमआरआई करती है। ऐसा है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं ये एमआरआई, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो ये इसीलिए करते हैं। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर है, जो कि बाहर से नहीं दिखता है, अंदर है। तो ये तो होता रहा है हमारे, काफ़ी साल से यूज़ हो रहा है, अब तो बहुत ही कॉमन भी हो गया। पर हमने जब स्किन में किया था, स्किन का जो है यूजुअली क्या होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं या कुछ हो गया है या बर्न्स हो गए हैं कुछ के, किसी के यूवी रेडिएशन के भी काफ़ी बहुत ही कैंसर्स होते थे। यूवी माने लाइट में, जो सनलाइट में जो ज़्यादा एक्सपोजर होते हैं, बीच में आपने देखा होगा सन के बर्निंग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है स्किन में काफ़ी हो जाते हैं, कैंसर्स हो जाते हैं, कॉमन है। तो जब जाते हैं डॉक्टर ये देखता है कि भाई इसके अंदर जो है ऊपर से दिखा के आपको ड्रग ट्रीट करते, तो हो सकता है वो कैंसर अंदर की तरफ फैल गई हो, नज़र नहीं आ रही हो, तो आप जो देख सकते हो दैट इज़ ओनली लिमिटेड, पूरा आपको नहीं पता अंदर क्या। तो इसीलिए हमने MRI यूज़ किया है। स्किन कैंसर ये फ़ायदा होगा, एक तो हम विदाउट चीरा फाड़ी जैसे हम करते हैं, बायोप्सी सैंपल लेते हैं माइनर सर्जरी और ओटी के अंदर, वो लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जो हम एंटी कैंसर ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, तो उसका क्या इफेक्ट है, हम डायरेक्ट MRI से काफ़ी गहराई तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया हमने, स्विस एल्बिनो माइस लिए जिनको बेंजोपायरिन कार्सिनोजन है, जिससे हमने इसको कैंसर इंडक्शन किया फर्स्ट टाइम, देन उस कैंसर को ड्यूरिंग डेवलपिंग स्टेज हमने इसको डिटेक्ट किया डिफरेंट स्टेज पे आफ्टर MRI। दिस इज MRI ऑफ द नॉर्मल स्किन, देन दिस 4 वीक ट्यूमर एंड 8 वीक ट्यूमर। ऐसे जब 14 वीक का ट्यूमर हो गया MRI से डिटेक्ट करने के बाद, हमने जो पॉपुलर एंटी कैंसर ड्रग है सिसप्लैटिन, उसको सिसप्लैटिन से ट्रीट किया, और ट्रीटमेंट देने के बाद उसका फर्दर MRI किया। MRI ऑफ द नॉर्मल स्किन, ये नॉर्मल स्किन की MRI है, ये 14 वीक ट्यूमर इंड्यूस्ड बाय बेंजोपायरिन उसकी MRI है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में कि इसमें कोई ट्यूमर देखो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इसमें हमने नॉर्मल है, कोई ट्रीटमेंट बेंजोपायरिन से नहीं दिया है, तो इसमें देयर नो ट्यूमर इज सीन इन दिस, बट हियर दिस अ ट्यूमर इंड्यूस्ड बाय द बेंजोपायरिन।
Then this is the both are control group. The animal which is not treated with the anti-cancer drug. हमने सिंपल इसमें नॉर्मल्स लाइन दिया है इसलिए देयर नो इफेक्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग ट्यूमर साइज इंक्रीज एंड आफ्टर ट्रीटमेंट विद द सिस्प्लैटिन जब हमने सिस्प्लैटिन ड्रग से ट्रीटमेंट किया एनिमल को टू वीक के लिए और फोर वीक के लिए तो ट्यूमर साइज जो है कम हो गया है इसमें गांठ या ट्यूमर कहाँ पर है टी दिस इज द टू वीक ट्रीटमेंट दो हफ्ते तक सिस्प्लैटिन का ट्रीटमेंट दिया देन फोर हफ्ते तक सिस्प्लैटिन का ट्रीटमेंट दिया तो ट्रीटमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि जो ट्यूमर का साइज है काफ़ी हद तक कम हो गया है हमने ग्राफ के द्वारा भी इस रिजल्ट को एमआरआई के रिजल्ट को कोरिलेट किया है हम देख रहे हैं कि जो कंट्रोल ग्रुप है जिसको हमने सिर्फ नॉर्मल लाइन से ट्रीट किया था उसके कंपेयर में जो टेस्ट ग्रुप है जिसको टू वीक तक हमने सिस्प्लैटिन ट्रीटमेंट दिया है ट्यूमर वॉल्यूम जो है काफ़ी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया है और आफ्टर फोर वीक इट वेरी वेरी ड्रास्टिकली डिक्रीज एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप हमने एमआरआई के डेटा को बायोकेमिकल पैरामीटर से कोरिलेट किया है तो इसमें ये बायोप्सी ऑफ द नॉर्मल स्किन है ई इज इंपॉर्टेंट के इज द केरेटिन लेयर ई इज एपिडर्मिस दिस इज डर्मिस एंड दिस इज मसल्स दिस इज बायोप्सी ऑफ द नॉर्मल स्किन इसके बाद दिस इज अ 14 वीक बायोप्सी ऑफ 14 वीक ट्यूमर एंड दिस 16 वीक ट्यूमर एंड 18 वीक ट्यूमर 16 वीक ट्यूमर एंड 18 वीक ट्यूमर बोथ आर कंट्रोल एनिमल ट्रीटेड विद normal line only this is for 2 weeks cisplatin treatment or after the 4 week cisplatin treatment haan hum dekh rahe hain ki jo tissue cell death hai wo 4 week cisplatin treatment mein kafi had tak hai jo ki hamare mri ke data ko correlate kar raha hai acche se to is experiment mein conclusion ye hai ki hum generally jo biopsy sample lete hain patient ka cancer detect karne ke liye to agar mri se hum skin cancer detect kar sake is method se to hame पेशेंट को हार्म करने के उसे बायोप्सी लेने की ज़रूरत नहीं है हम डायरेक्टली नॉन इन्वेसिवली पेशेंट को बिना टच किए हार्म किए हम डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं एमआरआई के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में पूल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट हिंद फ्रांस साइंसी इश्तराक में कोऑर्डिनेटर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के फ्रेजाइल एक्स और फ्रेडरिक्स अटैक्सिया और दूसरी आसाबी बीमारियां यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेटर और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक्सपर्ट कमेटी में मेंबर और फिर भी इतनी सारी मसरूफियात के बावजूद डॉक्टर मोगान्ती स्कूल के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए वक्त निकाल लिया करती थीं ताकि इल्म कीमिया के तई उनकी दिलचस्पी बचपन से ही परवान चढ़ने लगे खुश आमदीद 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 खु